आदरणीय पंते जी, अकेला जी, एक्स मिनिस्टर दत्तू प्रसाद जी और अन्य महान अनुभवगण और आदरणीय भागीदार करने वाले सभी महानुभावों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है अर्चना जी से कि मुझे 2 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करनी है, तो मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा। मैंने तमाम वक्ताओं को यहाँ सुना है और सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल देश के अंदर रह के ही सेवा कर सके, क्योंकि मैं भारतीय विदेश सेवा से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ 32 साल की सर्विस के बाद, और 2 मिशनों में मैं भारत सरकार का प्रमुख रहा हूँ, एम्बेसडर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया में, और कैरिबियन कंट्रीज में भारत का उच्च आयुक्त रहा हूँ। कनाडा जैसे देशों में भी मैं मिनिस्टर काउंसलर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल स्वदेश में रह के सेवा कर लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और संपर्क करते हुए आपके सहकार भी बढ़ते हैं। पता नहीं मंत्री जी को याद होगा या नहीं होगा, मेरी मुलाकात जब मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर था लखनऊ में, तब मेरे ऑफिस में आप आए थे किसी काम से, तब हुई है। मैं जहाँ भी रहा हूँ मैं अपना थोड़ा सा वो दे दूँ संक्षिप्त कि मैं कनाडा में रहा। कनाडा में मॉन्ट्रियल में एक रविदास मंदिर है, उसमें मैं हर संडे को जाकर के पार्टिसिपेट करता था और वहाँ पे एक अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया जो कि आज भी जीवित है और काम कर रहा है। मैं नॉर्थ कोरिया में था, नॉर्थ कोरिया एक साम्यवादी राष्ट्र है, वो नहीं जानते कि अम्बेडकर साहब कौन है क्या है, क्योंकि वहाँ भी गांधीवाद है, क्योंकि गांधी जी को पूरे देश दुनिया के अलावा मैं कहूँगा कि अंतरिक्ष में भी जाना जाता है, और उसका एकमात्र कारण है, आप सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार की जितनी भी संस्थाएं सरकारी संस्थाएं उनका एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मणवादी नेताओं को प्रचारित करना, उनको महिमा मंडित करना और राष्ट्रव्यापी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको स्थापित करना है। गांधी जी पे हमारा कोई द्वेष नहीं किसी व्यक्ति से, गांधी जी पे, नेहरू जी पे, इंदिरा जी पे, जो भारतीय सांस्कृतिक परिषद है भारत सरकार की, अगर आजादी के बाद अब तक आप उनका ब्योरा उठा करके देखें तो कम से कम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स केवल उनके महिमा मंडन में, उनके प्रचार में और उनको स्थापित करने में लगाया है। पिछली बार 2016 में अचानक एक संदेश प्राप्त हुआ कि बाबा साहब की जयंती हमको मनानी है। मैं कहूंगा इसके बारे में, मैं अपने नवयुवकों को अपनी सीडी भी देने वाला हूं, शायद मैं पहला व्यक्ति रहा हूंगा अपनी भारतीय विदेश सेवा में कि जिसने अंबेडकर को वहां स्थापित किया है पूरे कैरिबियन कंट्रीज के अंदर। उनकी जयंती मनाने में मैंने कम से कम भी नहीं तो 200 वॉल्यूम तैयार किए कंप्यूटर से निकाल के, जो उनके लेख थे, जो उनके आर्टिकल्स थे विभिन्न मुद्दों पर, वो मैंने बना करके वहां की जमैका की सरकार को में वितरित किए। और हर्ष का विषय यह है कि 14 अप्रैल 1916 को, 2016 को जब उनकी जयंती हमने मनाई, तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उनसे समूचे कैबिनेट को लेके, पूरी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज, उनके सारे प्रोफेसर्स को लेके उसने उसमें पार्टिसिपेट किया और ये बताया कि जो भारत के राजदूत ने मुझे मेटीरियल दिया है अम्बेडकर के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर, उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा, ये जमैका के प्रधानमंत्री का कहना है, कि शायद वो विश्व के एक महानतम व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इतने दिनों से यहाँ पे भारत का दूतावास है, हमें कभी ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि कितना महान व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, हम तो केवल ये जानते हैं महात्मा गांधी। तो एक तो ये बात रही कि हम जहाँ भी होते हैं सेवा करनी है, और जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ मैं कुछ करना चाहता था, तो एक छोटी सी बात आपको उदाहरण के तौर पर मैं पेश करूँगा कि मैं जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, शशांक शेखर सिंह ने उनका जो निजी कैबिनेट या सेक्रेटरी था, 3 बार उनको उन्होंने मुझे फोन करके, उस समय मैं अफगानिस्तान में था कंसल जनरल, 3 बार मुझे बुलाया, मैं उड़ करके आया और जब वहां जाके बैठा तो बोले जी बहन जी चली गई।
यानी अगर अपना नेतृत्व में किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि नेतृत्व जो है, our leader should be accessible to our masses. I was not seeking an appointment with the chief minister just because I happened to be a foreign service officer. No, my aim was just to see my leader, just to share some views. But all the secretaries close to the chief minister, from Shashank Shekhar Singh to Neet Ram or Fateh Bahadur or whoever was there, they ensured that I should not be allowed to see the chief minister. तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे नेता लोग हम लोगों से मिल ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे विचार विमर्श करेंगे। और इसके बारे में एक और उदाहरण दूं, विजयदशमी का दिन था, ये 1999 की बात है, एक महानुभाव हुआ करते थे, आपने उनका नाम सुना होगा, एस के विश्वास, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, गॉड्स फॉल्स गॉड्स आर अनटचेबल्स। वो मेरे एक दोस्त थे बहुत अच्छे, मुझको कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मिलने आए घर पे, बोले चलिए मान्यवर के यहाँ चलते। तो मेरी मुलाकात मान्यवर से विजयदशमी के दिन, उनके जो ये खड़गपुर क्या है खड़ग सिंह मार्ग का जो ऑफिस था पार्टी का, मैं गया, बल्कि जो पुराने भारत सरकार के कैबिनेट मेरे वो थे सेक्रेटरी जबरुल्ला था, वो अंदर मीटिंग चल रही थी, 12 बजे के बाद माननीय मंत्री हमें लेकर बाहर आए, उन्होंने हमें बैठे देखा, तो मुझे इतना नहीं जानते थे क्योंकि मैं केवल उनसे पहले एक बार मिल चुका, दो बार, तो इतना परिचय नहीं था। एस के विश्वास को पहचान के बोले आप कैसे बैठे सर आए थे, अरे वो हम अंदर ले गए, हमारी विस्तार से कई मुद्दों पर उनसे बात की। अभी आपने मतलब एक मोहन जी थे, कुछ नेता उधर लोग थे, बात अभी दे रहे थे, आपने भी कुछ बताया, आपसे शेयर कर रहा हूं एक बात, देखिए कि मान्यवर कितने दूरदर्शी थे, उनसे बहुत बड़ी वार्ता करने के बाद एसके विश्वास ने पूछा कि सर साहब एक बात बताइए आंदोलन का, क्योंकि उस समय हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बड़ा पुअर था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने कहा इसका सर होगा क्या। आज मैं आपको सत्य बता दूं, मान्यवर कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा कि मुझे और कोई डर नहीं है, डर एक बात का है कि इस दल को मैंने जो एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया है, कहीं ऐसा ना हो ये आंदोलन हो जाए। बोले जी क्यों, कि मेरी जो उत्तराधिकारी है वो लाल की बहुत, उसके बाद जो मैं बता रहा हूं कि जितनी बार भी मैं मिलने के लिए गया था, वो मिलने की बात तो दूर चोट के नीचे के लोग थे, और वो क्या कहते हैं मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे कि वो तो जाने के लिए भी पूजा चाहिए, मुलाकात तो दूसरी बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है भाइयों कि एक बात तो लानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई कार्य नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं, किंतु वो एकता आए कैसे, बहुजन समाज को लाया कैसे जाए, मैं इसके बारे में एक ही सजेशन देना चाहूंगा। मान्यवर ने वो बात नहीं कही थी, मान्यवर ने उसे दूसरी तरह से पेश किया था समाज के सामने, थोड़ा पानी मिले, मान्यवर कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन की है, यहां पे एक थोड़ा सा मैं कहूंगा मेरी बात से आप बहुत से लोग इंतजार नहीं रखते होंगे, किंतु कहीं ना कहीं ये कमी आई है कि जब बहुजन समाज पार्टी बहुजन की है तो चाहे मैं चमार हूं, चाहे मैं मौर्य हूं, चाहे मैं कुशवाहा हूं, कोई भी हो, पार्टी का नेता कोई भी बन सकता है, पार्टी का नेता कोई भी बन सकता है, जिसको जनता मानेगी, जिसको जनता स्वीकार करेगी, वो हर व्यक्ति पार्टी का प्रेसिडेंट, पार्टी में मुख्यमंत्री और पार्टी के हर पद का दावेदार हो सकता है। इसलिए कुछ अपनी विचारधारा में हमें बदलाव करना होगा, अगर राजनीतिक तौर से अपने दल को पुनर्स्थापित करना है राजनीति में, तो कोई भी नेता हो वो ये नहीं कहेगा कि मैं चमार हूं तो चमार ही पार्टी का नेता होगा,
मैं ये हूं तो यही पार्टी का नेता होगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और जिस तरह का आंदोलन आजकल मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे और सब पे, बहुत सारे आंदोलन है, नवयुवकों के आंदोलन है, समाज में एक तरह का मूवमेंट हो चुका है, मतलब समाज उबल रहा है, नवयुवक उबल रहा है, किंतु ये सब अच्छे परिणाम में परिणित नहीं हो रहा है। उसका कारण है वही कि हम अभी भी पूरी तरह से विभाजित हैं, और इस विभाजन को रोकने के लिए जो मैंने बताया, अगर आप इसमें विचार करें, आप मन से होके बोलिए कि आज मोर्चे भी है, कल वो भी मुख्यमंत्री हो सकता, जाटव है वो भी हो सकता, डिपेंड करेगा कि किसको जनता उसे बचाती है। कोई नेता इस देश में चाहे हमारी पार्टी का हो किसी का हो, अगर थोपना चाहेगा वो स्वीकार किसी को नहीं होगा। इसलिए इस पर थोड़ा विचार कीजिए, बात बहुत सारी है, मैं विदेश के बारे में भी आपसे कुछ शेयर कर सकता था, किंतु समय का हमें थोड़ा वो होते हुए, इसलिए मैं आपसे विराम दूंगा अपनी वाणी को। और अर्चना जी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, अपने मुझे कहने का मौका मिला। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।